इस निकालेंगे इस समय हम ईसाई के पुस्तक 10 अध्याय और इसका 27 वचन को कोई पढ़िए मेरे साथ। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। सब लोग अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे पे जब अभिषेक आता है तो अभिषेक जुए को तोड़ देता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है, अभिषेक कहता है वो सारे वो मुसीबतों को हटा देता है कि जब अभिषेक आता है सारे दरवाजे खोल देता है। आमेन, हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से मेरा और आपका क्या हुआ है? अभिषेक किया गया है। आमेन, हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया है। आमेन। पर अभिषेक कब हुआ है आपका? इसलिए हमने रात को बताया आपको यर्मिया के पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 5 वचन को पढ़े। यर्मिया के पुस्तक पहला अध्याय और उसका 5 वचन। आपका अभिषेक कब हुआ है? ओ मेरे प्रिय, आपका अभिषेक किसकी ओर से किया गया है? यर्मिया के पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 5 वचन को निकाल करके पढ़े जोर से। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमेन, हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया है। आमेन, हालेलुया। और क्या कहता है? क्यों अभिषेक किया? हाँ, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता करके ठहराया है। आमेन, हालेलुया। इससे पहले कि आप उत्पन्न हो उसके पहले खुदा ने आपका अभिषेक कर दिया है और कहता है जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरा दिया है। आमेन, हालेलुया। आप जातियों के लिए भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के आप अभिषिक्त है बाय बर्थ। प्रभु ने आपका अभिषेक किया है बाय बर्थ। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, हालेलुया। यशायाह 61 को निकाले, यशायाह और उसका 61 देखो क्या कहता है। यशायाह 61, हालेलुया। और जीसस, प्रभु की ओर से आपका अभिषेक किया गया है मेरे प्रियो। और वो कहता है उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया है, हालेलुया। मेरे साथ निकाले जल्दी से 61 पहले वचन को पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ, क्या कहता है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर। सब बोले प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जोर से बोले, हाथ के बोले, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु 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 यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोले उसने मेरा अभिषेक किया है। यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। जो तक थाली बजा के प्रभु की महिमा करे, हालेलुया, हालेलुया। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, हालेलुया।
हालेलुया। और बाइबल बताते खुदा का वर्ड कहता है ये अभिषेक बहने वाला है। जब बोलो ये अभिषेक बहने वाला है, ये अभिषेक बहने वाला है, ये अभिषेक उमड़ने वाला है। हालेलुया। इसने तो गॉड कहता तुझ में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। ये ठहरने वाला नहीं है, ये उमड़ने वाला अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए तो गिसास 133 अध्याय और कहता है उसका पहला दूसरा वचन क्या कहता है, वो अभिषेक हारून के सिर पर से उसके वस्त्रों के घेर से लेकर के कहता नीचे तक बहता गया। आमेन। हालेलुया। सर के बाल से पैर के नाखून तक उसका अभिषेक हमारे ऊपर बहता है। हालेलुया। कहता है यशायाह कहता है यहोवा का आत्मा मुझ पर है। फिर से बोले यहोवा का आत्मा। बिलीव कर, बिलीव विश्वास करके बोलो, उसके अंदर घुस कर बोलो कि वो अब जब बोल रहे हो तो अब रियलाइज करो कि रियल में सचमुच में यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोलो 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 यहोवा का आत्मा। विश्वास की फेथ के साथ, विश्वास के साथ बोले यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। यदि प्रभु का आत्मा आप पर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो जो बातें होने जा रही जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, वो जो आत्मा आपको कराएगा। एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, इसको निकाल के रखो यशायाह में और प्रेरितों के काम में आओ। प्रेरितों के काम में देखो जब अभिषेक आता है तब क्या होता है। हालेलुया। राबा सिद्ध लिगी दीना मंदा यदो लबा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। राबा सिद्ध लिगी तेरी अंदर यह तू नमो रबा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ हाँ, पढ़े दूसरा अध्याय उसका 12 वचन को पढ़े। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। पढ़िए जल्दी से। सब चकित हुए और वे सब चकित हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहे। ओ हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है सब चकित हो जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा आप में काम करेगा, जब प्रभु का आत्मा आप में संवाएगा, लोग चकित हो जाएंगे। एक दूसरे को देखकर बोल लोग चकित हो जाएंगे। लोग चकित हो जाएंगे। हालेलुया। वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा जब आप में काम करना लगेगा लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है लोग क्या करने लगे, लोग चकित होने लगे और या क्या हो रहा है। अरे नहीं, चकित होने लगे और आश्चर्यचकित होकर कहने लगे। हालेलुया। चकित हो गए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे। हालेलुया हालेलुया। जब आत्मा उंडेला जाता है, जब आत्मा आता है तो क्या कहता है, लोग चकित हो जाते हैं। ओ हालेलुया। और लोग घबराने लगते, बाप रे आ क्या कहते, ये क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा, ये क्या हो रहा है। ऐसा देखो, जो देखो ऐसा बोलो, ये क्या हो रहा है। वो ऐसा हाथ दिखाओ, बोलो अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे हालेलुया हालेलुया। मेरे पे जो काम आपके जीवन के द्वारा होगा लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, अरे इसके द्वारा ये क्या हो रहा है, अरे इसके साथ ये क्या हो रहा है, अरे प्रभु ये कैसे कर दिया, अरे प्रभु ऐसा कैसे कर दिया, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। जब आत्मा आप पर उंडेला जाए, जब आत्मा आप पर कहता है, जब अद्भुत रीति से काम करने लगे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या होते हैं, लोग घबरा जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे और फिर कहेंगे अरे बाप रे आ सूत ही रहा छे। गुजरात में लिखा है मार्टिन भाई, गुजरात में लिखा है आ सूत ही रहे उछे। बोलो 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 आंसू थई रहे छे। बोलो बोलो ऐसा बोलो आंसू थई रहे छे। हालेलुया। लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है। आमेन। हालेलुया। जो हम चलेंगे प्रभु की सामर्थ हमारे कपड़ों से बहेगी, जो हम चलेंगे प्रभु की सामर्थ हमारे रुमालों से बहेगी, जो हम चलेंगे जब हम बोलेंगे खुदा का आत्मा काम करेगा, जब हाथ रखेंगे लंगड़े चलने लगेंगे, वो प्रभु का आत्मा जब काम करेगा अद्भुत काम अद्भुत चंगाइयां होंगे और लोग आश्चर्य चकित होकर कहेंगे, लोग घबरा कर कहेंगे आंसू थई रहे छे, आ
क्या हो रहा है, हालेलुया, ये क्या हो रहा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का काम अद्भुत है। सब बोलो, परमेश्वर का काम अद्भुत है, परमेश्वर का काम अद्भुत है, वो मेरे लिए है। सब बोलो, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, आश्चर्य कर्म मेरे लिए, बोलो आश्चर्य काम मेरे लिए है, अद्भुत काम मेरे लिए है, ओ प्रभु की सामर्थ मेरे लिए है, प्रभु का अभिषेक मेरे लिए है, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। बोलो बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का अभिषेक मुझ पर है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। बोलो बोलो, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, बोलो बोलो, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का मेरा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उरा बासा दा लिखा तरह ऐसा, हालेलुया, लिखा थूना मंद यदरवा। हां देखो, कहता बाइबल बताती खुदा का वर्ड, कहता परमेश्वर ने अन्य जातियों के ये मेरा अभिषेक किया है। काहे के लिए अभिषेक किया है, जाति के लिए क्यों आपका अभिषेक किया है, निकालिए बड़ी जल्दी से ऐसा आगे। हाँ, पढ़िए, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के, उसने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा, और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, शांति दूं। हालेलुया, आपका अभिषेक क्यों हुआ है और प्रभु ने आपको क्यों भेजा है, कि खेदित मन वालों को शांति दूं। इस दुनिया में कितने लोग आज टूटे हैं, आज दुखी है, आज निराशाओं में है, आज व्याकुल है, आज हताशाओं में है, कोई दिलासा देने वाला नहीं, कोई शांति देने वाला नहीं। आपका अभिषेक हुआ है, आपका अभिषेक हुआ है उनके लिए, आपका अभिषेक हुआ है। प्रभु से कहा लॉर्ड, उसके लिए मेरा अभिषेक किया है, मैं जाऊंगा उनके पास, प्रभु मैं जाऊंगा उनके पास, क्योंकि मेरा अभिषेक तूने किया है, तेरा आत्मा इसलिए मुझ पर उंडेरा है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं, कि खेदित मन वालों को मैं शांति दूं। हालेलुया, हालेलुया, कहता खेदित मन वालों के लिए मैं शांति दूं। आगे, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का, जो आज बंदी है किस बात के लिए बंदी है मेरे प्यार, कितने लोग शराब ने बांध रखा है, किसी को व्यभिचार ने बांध रखा है, किसी को पूरे पापों ने बांध रखा है, मृत्यु ने उनको कैद करके रखा है, बीमारियों ने उनको कैद करके रखा है, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए आपका अभिषेक हुआ है, आपका अभिषेक हुआ है। एक दूसरे को देख के बोले आपका अभिषेक हुआ, बोले दूसरे को आपका अभिषेक हुआ है, उनके कैदी से उनको निकालने के लिए, उनके को तोड़ने के लिए आपका अभिषेक किया गया है खुदा की ओर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पे राइज अप हो, खड़े हो, बार्थ पे आने, गर्भ में आने से पहले ही खुदा ने आपका अभिषेक कर दिया है। आमेन। किसके लिए? कि अन्य जातियों के लिए आपका अभिषेक हुआ है। हालेलुया, क्यों हुआ है? ताकि जो खेदित मन वाले के जो लोग हैं उनको आप शांति दो। हालेलुया, और क्यों हुआ है? ताकि जो बंदी पड़े हुए हैं, जो कैदी पड़े हुए हैं, आप उनको छुड़ाने के लिए, आप वहां से उनको निकालने के लिए, आप जाकर के उनको खुदा के बातों को बताकर उनको वहां से निकाल के लिए आपका अभिषेक खुदा ने किया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे 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 पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, आगे क्या लिखता है? कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा के दिन को प्रसन्न करने का। आमेन, हालेलुया। मन प्रभु किससे प्रसन्न होता है? जब आत्मा खुदा के राज्य में आती है। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जब लोग बीमारों से, वो कहता है, तकलीफों से छुटकारा पाते हैं, उनके अंदर प्रभु का आत्मा काम करता है। प्रभु जब कब प्रसन्न होता है? जब एक व्यक्ति जब प्रभु का मंदिर बन जाता है, एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का निवास स्थान आता है। हालेलुया, आप कारण है प्रभु को प्रसन्न करने का, आप रीजन हो
प्रभु का प्रसन्न करने का। हालेलुया, हालेलुया। आप वो व्यक्ति हो जिससे खुदा प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। जब आप स्टेप लेंगे, जब आप ये जानेंगे मेरा अभिषेक हुआ है, अन्य जाति के मेरा अभिषेक हुआ है, ओ हालेलुया, कैदियों के मेरा अभिषेक हुआ है, बंदी गृह में पड़े वाले को मेरा अभिषेक हुआ है, और जब आप ये कामों को करेंगे बाइबल बताते आप उसको प्रसन्न कर देंगे। हालेलुया, आप उसके हृदय को आनंदित कर देंगे। वो आपकी राह देखता है कि कब मेरे बच्चे के द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाए, कब मेरे बेटी के द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाए, छुड़ाया जाए। आपका अभिषेक हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 20 वचन को पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 20 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया, तुम्हारा तो उस पवित्रता से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ जानते हो। कृपा बताते, खुदा का वर्ड कहता है, भाई जब मैं माँ के गर्भ में था तब मेरा अभिषेक हुआ है, और कहता उस पवित्रता से मेरा अभिषेक हुआ है, और कहता है तुम सब कुछ जानते हो। आमेन, परमेश्वर क्या है हम जानते हैं, खुदा बाप क्या है मैं जानता हूँ, यीशु क्या है मैं जानता हूँ, पवित्र आत्मा क्या है मैं जानता हूँ, बाप क्या है मैं जानता हूँ, उसकी सामर्थ क्या है मैं जानता हूँ, प्रभु की अद्भुत सामर्थ क्या है मैं जानता हूँ, वचन क्या है मैं जानता हूँ। कहता है तुम सब कुछ जानते हो। आमेन, क्योंकि मेरा अभिषेक इसीलिए किया गया है कि मैं सब कुछ जानूं। आमेन, उसकी सामर्थ को जान लो, उसकी अद्भुत दया को जान लो, उसकी अनुग्रह को जान लो, उसके प्यार को जान लो, पवित्र आत्मा को जान लो, और उसकी उसकी गहराई को जान लो, ताकि मैं जाकर के जो कैदी है, जो भंगित लोग है, जो टूटे हुए लोग हैं, उनको जाकर मैं खुदा के प्यार को बांटूं और उनको छुड़ा कर मैं उनके पास लेकर के आऊं। मेरा अभिषेक किया, बोलो मेरा अभिषेक किया गया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है। और कहता है तुम्हारा तो उस पवित्रता से क्या हुआ है, अभिषेक हुआ है, और सब कुछ तुम जानते हो। 27 वचन को पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तुम्हारा जो अभिषेक जो उसकी ओर से किया, किसकी ओर से किया गया है, किसकी ओर से किया गया है, अरे यार जोर से बोलना, किसकी ओर से किया गया है, हालेलुया। मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया गया है, और यह अभिषेक खत्म होने वाला है, यह अभिषेक मिट जाने वाला है, यह अभिषेक हट जाने वाला है, ना ना ना, कहता है उसका अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। हालेलुया, बोलो परमेश्वर का अभिषेक मुझ में बना है। मालूम मेरे पे एलीशा का अभिषेक हुआ, किसने अभिषेक किया एलीशा का, बोलो किसने किया, एलिया ने किया, एलीशा का अभिषेक किसने किया, एलिया ने किया। हालेलुया, और जब एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर कैसे आया, दुगने हिस्से में, दुगने भाग में आया, और कहता है एलिया ने तो 14 मिराकल किया, परंतु एलीशा ने 14 मिराकल किया। हालेलुया, एलिया से बढ़कर काम खुदा बाप ने एलिशा के द्वारा किया, क्योंकि मालूम एलिशा के अंदर वो तड़पन थी, वो भूख थी, एलिया के अंदर जो आत्मा है, एलिया का जो अभिषेक है, उसका ही नहीं उससे ज्यादा मुझके कर दे, उससे दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। वो तड़पन था, वो देखकर वो भूख था, एलिया को जब भी देखता था उसके अंदर तड़प थी, प्रभु ये जो अभिषेक एलिया का है इतना पर्याप्त मेरे लिए नहीं है,
मुझे इसका दुख ना चाहिए। जब आप भूखे होंगे तब प्रभु आपको तृप्त करेगा, जब आप प्यासे होंगे प्रभु आपको भरेगा। हालेलुया। और एलिया का एलीशा के अंदर एक तर्पण का दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। सब बोलो दुगना अभिषेक चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए, बोलो दुगना अभिषेक चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, खुदा का वर्ड कहता है, यूहन्ना और उसका 14 उसका 12 वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है यह काम जो मैं करता हूँ, इस मसीह के वर्ड है, वो काम तू से बढ़कर करोगे। हालेलुया। दुगना 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 की बातें कर रहा है। परमेश्वर का राज्य कहता है प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। हालेलुया। इस मसीह का वर्ड उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यह काम जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। दुगनी आशीष, दुगना अभिषेक, दुगनी सामर्थ्य के साथ खुदा आपका यूज करना चाहता है, आपका इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए तो बाइबल बताते जब एलीशा का अभिषेक हुआ, एलीशा माइकली यूज होने लगा, अद्भुत काम होने लगे, अद्भुत चंगाइयां होने लगे, अद्भुत मिराकल होने लगे। और बाइबल बताता जब एलीशा मर गया और उसके गड्ढे में डाल दिया गया, परंतु उसका अभिषेक बना रहता है। जब बोलो प्रभु का अभिषेक बना रहता है, बोले 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 प्रभु का अभिषेक बना रहता है। और उसका अभिषेक तो मेरे रब के लिए है, उसका अभिषेक बना रहता है। बोले मेरे खुदा का अभिषेक मेरे अंदर बना रहता है। बोले परमेश्वर का अभिषेक जो मेरे अंदर है बना रहता है, वो बना रहता है। बोले प्रभु का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक मेरी ओर से किया, परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर किया गया है। बोले प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जोर से बोले प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जोर से बोले प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरा अभिषेक खुदा ने किया है, परमेश्वर मेरा अभिषेक किया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता, प्रभु का वचन में लिखा है, मेरे पे एलीशा का जो अभिषेक दुगने पैमाने पर किया गया, वो जब जिंदा था तब तक अद्भुत काम आश्चर्य काम एलीशा के द्वारा परमेश्वर करता रहा। वो जहां भी जाता खुदा की सामर्थ बहती थी, वो जो भी करता प्रभु की सामर्थ अथॉरिटी के साथ करता, क्योंकि उसका परमेश्वर का अभिषेक एलीशा के ऊपर था। हालेलुया। बाइबल बताती है जब तक जिंदा था उसका अभिषेक उसके अंदर था, पर जब वो मर गया गड्ढे में जब उसको डाल दिए गए, और बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जो चार कुछ लोग जो एक मरे हुए व्यक्ति को लेकर के आ रहे थे, और कुछ शत्रुओं को देख करके वो उसको उसके जो लोग जो उस मुर्दे को लेकर आ रहे थे अमलेली को, और जाकर उसको उसके गड्ढे में डाल दिया गया। कौन सा गड्ढा? जहां पर एलीशा का हड्डियां थी, जहां पर एलीशा को गाड़ा गया था, उसी गड्ढे में उस मरे हुए व्यक्ति को ला करके डाल दिया। और जैसे ही वो मरा हुआ व्यक्ति का शरीर एलीशा की हड्डियों को छुआ, वो अभिषेक बहने लगा। हालेलुया हालेलुया। वो अभिषेक बहता है, बोलो अभिषेक बहता है। जोर से बोलो अभिषेक बहता है। बोलो मेरे वस्त्रों से अभिषेक बहता है, बोलो मेरे देखने से अभिषेक बहता है, मेरे छूने से अभिषेक बहता है, मेरे बोलने से अभिषेक बहता है, अभिषेक बहता है। हालेलुया हालेलुया। अभिषेक बहता है। और भाई बताती मरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करने से चंगा नहीं हुआ, वो एलीशा का अभिषेक में वो चंगा हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक डेड बॉडी को डेड बॉडी ने छुआ, परंतु वो डेड बॉडी साधारण नहीं था, वो अभिषेक से भरा था। एलीशा के हड्डियों में अभिषेक था, उसके मच्छे में अभिषेक था, सर के पाल से पैर के नाखून तक परमेश्वर का अभिषेक उसमें बह रहा था। हालेलुया हालेलुया। और वो अभिषेक मेरा किया गया है, तब किया है जब मैं जन्म नहीं लिया, उससे पहले मेरा अभिषेक किया है। ओ यशायाह शिक्षक के अनुसार प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आमेन। पर अब जो अभिषेक मुझ में वो क्या कराएगा? खुदा का वर्ड कहता है दूसरा कुरिन्थी के पुस्तक और उसका
दूसरा अध्याय और इसका 9 वचन देखो, बड़े जल्दी से निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे, देखो क्या कहता है। हालेलुया राबा शादा लिखा ताना मंदा यदो लिखी तीना मंदा यदो लबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जल्दी से निकालेंगे। हालेलुया दूसरा अध्याय और इसका दूसरा वचन, दूसरा अध्याय और इसका 9 वचन, 9 वचन। थैंक यू फादर, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम नहीं, जिसका क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था वही है पहला का दो करो। थैंक यू फादर, हालेलुया सुदूरी बदल गदूरी अंदर ये दुले नर भरे बा परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आँख ने नहीं, अब क्या कहता वो अभिषेक जो मेरा और आपका किया गया है, सुन लो कान खोल करके सुन लो। हालेलुया, जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से आपका किया गया है, अब क्या होगा वो ध्यान से सुन लो, अब क्या होगा ध्यान से सुन लो, अब जो खुदा करने जा रहा ध्यान से सुन लो, इस बात पर बिलीव करो, इस बात पर विश्वास करो, क्योंकि इस मसीह ने भी कह दिया है जो काम मैंने किया है अब तुम उससे भरे बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया हालेलुया, वो जो जो काम यीशु मसीह ने किया है, जो काम उसने एलिया और एलीशा के दिनों में किया, जो काम उसने पतरस यूहन्ना फिलिप्पी के दिनों में किया, खुदा कहता इन दिनों में अब बड़े बड़े काम हमारे द्वारा करने जा रहा है। हालेलुया, लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, वो लोग कहेंगे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लोग आकता है लोग कहते चढ़ जाएंगे और कहेंगे ये क्या हो रहा है, आंसू थई रही छे। हालेलुया, जो काम आपके द्वारा बिगिन होंगे, जो काम खुदा आपके द्वारा करने जा रहा है, लोग कहेंगे अरे बाप रे आंसू थई रही छे, ये क्या हो रहा है। हालेलुया, क्या विश्वास करते खुदा मेरे द्वारा ऐसे काम करने जा रहा है। हालेलुया, क्या विश्वास करते खुदा आश्चर्य काम मेरे द्वारा करने जा रहा है। हालेलुया, यदि आप विश्वास करते जोर से कहे हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया, खुदा का वर्ड कहता प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसा लिखा है, परंतु ऐसा लिखा है जो बातें आँख ने, अब खुदा कहता है जो बातें आँखों ने नहीं देखा और कहता प्रभु वो तुम्हें दिखाएगा, जो बातें आँखों ने नहीं देखा वो बातें खुदा आपके द्वारा दिखाएगा। लोग देखकर अचरज में पड़ जाएंगे, हमने अहमदाबाद में ऐसा काम कभी नहीं देखा, हमने मणिनगर में ऐसा काम कभी नहीं देखा, वो इवन मणिनगर की छोड़ो गुजरात की, अहमदाबाद की छोड़ो गुजरात में ऐसा काम कभी नहीं देखा। हालेलुया, गेट रेडी, बोलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बोलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, खुदा ऐसे काम करने जा रहा है जो आंखों ने नहीं देखा वो देखोगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप पर है। बोलो क्योंकि प्रभु का आत्मा आप पर है, बोलो बोलते जाओ, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप पर है, प्रभु की ओर से अभिषेक किया गया है, प्रभु की ओर से अभिषेक किया गया है, प्रभु की ओर से अभिषेक किया गया है। हालेलुया, जोर से थाली बजा के प्रभु की महिमा करें। लबा शादा लिखा थोड़ा बंदा यादो लबा लबा। हालेलुया, बोलो मैं देखूंगा, मेरे द्वारा होंगे। आश्चर्य काम मेरा है, आश्चर्य कर्म मेरा है, प्रभु ने मुझे दे दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मालूम ये सब ऐसा क्यों होगा, पूछो क्यों होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि पहला गिसास 139 अध्याय का 14 वचन कहता, तुम अद्भुत रीति से और भयानक रीति से रचे गए हो। हालेलुया, क्योंकि मेरी जो बनावट है, मेरी जो सृष्टि है, मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आमेन। हालेलुया, एक दूसरे को देख के बोलो आप अद्भुत रीति से रचे गए हो। हालेलुया, आपकी बनावट अद्भुत है, मालूम है, और जो अद्भुत है उसके द्वारा काम भी अद्भुत ही होंगे। हालेलुया हालेलुया, जो अद्भुत रीति से बनाया गया रचा गया उसके द्वारा काम भी अद्भुत ही होंगे। इसलिए तो वचन में ये पौलुस कहता है कि प्रभु ने कह दिया है, प्रभु ने लिख दिया, लिखा गया है कि कहता जो आंखों ने नहीं देखा वो अब तुम देखोगे। आमेन। हमने समुद्र को 2 भाग होते देख लिया, 4 दिन के लाजरस को जिंदा होते हमने सुन लिया, देखा नहीं, सुन लिया। हालेलुया हालेलुया, सूरज को थमते हमने सुना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर खुदा कहता है जो आंखों ने नहीं देखा
जो कानों ने नहीं सुना वो तुम सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मैं इस वचन पे बिलीव करता हूँ, मैं इस वचन पर बिलीव करता हूँ, मेरी लाइफ पे बहुत रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अब वो होंगे जो मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, और ये असाधारण काम प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा कराएगा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होंगे। ये पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया, बोले ये पहाड़ कौन से, ये पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पियों 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू इन क्राइस्ट। हालेलुया, मैं जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, बस हमें बिलीव करना है। हालेलुया, 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 बस हमें क्या करना है, बिलीव करना। क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चली और जो बातें मनुष्य के चित में ना समा। बाप रे बाप रे बाप, ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, बोलो, प्रभु ने बड़ी बड़ी बातें आपके लिए रखा है। आप जी में बोलते, मजा नहीं आता, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। जोर से बोलो, जो बातें प्रभु ने अद्भुत अद्भुत बातें प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसी बात, पूछो कैसी बात है, जो आपके दिमाग में न समाए। आपके लिए बोला, जो बात है आपके दिमाग में न समाए, वो ऐसी बातें रखा है, ऐसी बातें रखा है। हालेलुया, ऐसी बातें जो बातें मनुष्य के चित में नहीं, ऐसी बातें जो मनुष्य के चित में ना समा। बाप रे, जो मैंने कल्पना नहीं किया, जो मैंने विचार नहीं किया, जो बातें मैंने सोचा नहीं, जिस बातों पे मेरा ध्यान नहीं गया, खुदा को वर्ड कहते ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आमेन। कितने विश्वास करते। हालेलुया, मालूम को इसको पकड़ लो, उसको 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 गांठ बांध लो, उसको कठरी बांध लो और हाथ में रख लो, मेरे लिए होने वाले हैं, मेरे लिए होने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसी बातें होने वाले हैं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कान में नहीं सुना और जो मन में ना समाए। हालेलुया, आपने तो सोचा होगा कि जो बीमार चिल में प्रेयर करूंगा पेट दर्द अच्छा हो जाएगा, लंगड़ा अच्छा हो जाएगा, और आपने कभी सुना होगा कि मरवा जिंदा हो जाएगा। पर खुदा कहता है 4 दिन के मरे ना जब जिंदा हो गए तो सुना ना, अब 5 दिन के मरवा जिंदा होगा। हालेलुया, विश्वास करते हैं खुदा के वर्ड के ऊपर। मालूम क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मेरा अभिषेक खुदा की ओर से हुआ है। प्रभु ने, बोलो बोलो, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, बोलो प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, बोलो 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 बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, इसलिए होंगे, इसलिए होंगे, इसलिए होंगे, इसलिए होंगे। हालेलुया, 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 इसलिए होंगे। अब मैं उसके लिए तैयार हूँ, बोलो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप हो ना हो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। खुदा अब वो करने जा रहा है जो मेरी आंख ने आज तक कभी नहीं देखा। मैं तैयार हूँ प्रभु, वो मेरे लाइफ में करने जा रहे जो मैंने कभी नहीं सुना। प्रभु मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे सेवकाई में, मेरे जीवन में वो करने जा रहा है जो मैं कल्पना तक नहीं किया हूँ। हालेलुया, ऐसे अद्भुत काम होने वाली है, ऐसे बड़े बड़े काम आ रहे हैं। खुदा आश्चर्य कामों को मुझे, मेरे लाइफ को तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता खुदा के बातों के ऊपर, हो परमेश्वर मेरे लाइफ में उन बातों को बिगिन करने जा रहा है। अब मैं आश्चर्य कामों को देखूंगा, मैं अद्भुत कामों को देखूंगा, और जिसकी चर्चाएं तो कभी नहीं मैंने सुना है वो बातें मुझको सुनाई देगी। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। आज तक हमने देखा मेरे लिए लोगों ने हजार रुपया भेजा, अब लाखों आएंगे वो मैं सुनूंगा, करोड़ों आएंगे वो मैं सुनूंगा। हालेलुया, करोड़ों आएंगे मैं सुनूंगा। मैंने सुना चार दिन का लाज जिंदा हो गया, अब सुनूंगा एक सप्ताह, पांच दिन, आठ दिन, नौ दिन का जीवित जिंदा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या बोलता है, पतरस क्या बोलता है, जब कहता है वो प्रार्थना के भवन के सीढ़ियों को चढ़ता था, प्रेरितों का काम और उसका तीसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि जब वो सीढ़ियों को चढ़ रहा था, एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति जो बैठ करके क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था, और पतरस को बोलता है, बोलता नहीं, उसने कुछ पाने की लालसा से उसकी ओर देखा और कहता है, और देखा तब पतरस ने कहा, पतरस ने सोचा कि ये कुछ तो मांग रहा है, और ये देख करके वो पतरस रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या बोलता है, देख भाई, सोना और चांदी रुपया मेरे पास नहीं है। हालेलुया, भले आपके पास पैसे नहीं है पर प्रभु का अभिषेक आपके पास है। हालेलुया, भले आपके पास कुछ नहीं है पर मैं आपको कहता, दुनिया को वो चीजें जो आपको धनाढ्य बना दे, वो बातें जो आपको ज्ञानवान बना दे, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, और दुनिया में सबसे बड़ा धनाढ्य चीज है। हालेलुया, धन दुनिया का सबसे बेशकीमती बहुमूल्य बातें वो चीजें, उसका अभिषेक और उसका आत्मा आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। इसलिए पतरस ने कह दिया, देख भाई, सोना नहीं है मेरे पास, चांदी नहीं है मेरे पास, रुपया नहीं है मेरे पास, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया, क्या था पतरस के पास, क्या था प्रभु पतरस के पास, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का अभिषेक जो उसकी ओर से उसके लिए किया गया था। हालेलुया, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में लिखा, एक से लेकर के पांच वचन तक, आग से फटती हुई जीभ के साथ है, पवित्र आत्मा बड़े तूफान की तरह जल जलाती कटा तेज रफ्तार की तरह सबके ऊपर, जो 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, सबके ऊपर आकर बल के साथ उतर गया, और वो सब आत्मा से भर गए, प्रभु की ओर से उनका अभिषेक किया गया, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा किया गया, अब वो आत्मा से भर गए। पहले तो पतरस कुछ नहीं समझता था अपने आप को, पहले तो वो डरपोक था, पहले तो वो डर के भाग गया था, पहले तो बैकस्लाइड हो गया था, पर जब अभिषेक आया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस पर आई, वो कहता छाती ठोक कर चौको चौराहे पर खड़ा होकर कहने लगा, ओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सुनो, यीशु ही जीवित खुदा है, यीशु ही पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, छाती ढोल के मारना है तो मार डालो, काटना है तो काट डालो, पर मेरे शरीर का एक अंग अंग चीख चीख कर कहेगा यीशु खुदा है, मेरे लहू का हर एक बूंद बूंद कहेगा यीशु खुदा है, मेरी हर सांस में से निकलेगी यीशु जिंदा है। अभिषेक सब कुछ कराता है, एक दूसरे को देखो, अभिषेक सब कुछ कराता है, अभिषेक सब कुछ कराता है, बोलो यार, ठंड मत बोलो, बोलो अभिषेक सब कुछ कराता है, अभिषेक सब कुछ कराता है। हालेलुया, अभिषेक, और आपका अभिषेक किसकी ओर से हुआ है, आपका अभिषेक किसकी ओर से हुआ है, बोलो प्रभु का अभिषेक मुझ में है, प्रभु का अभिषेक मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस कहने लगा, सोना और चांदी रुपया मेरे पास नहीं है, पर सुन जो मेरे पास है, सोना और शायद तुझको लंगड़ेपन से अच्छा नहीं कर सकता, रुपया शायद तुझको पैर नहीं दे सकता, पर जो मेरे पास है तुझे सब दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि धन नहीं है, ओ कोई बात नहीं, रुपया नहीं है कोई बात नहीं, सोना नहीं है, सोनू तो बद्दू बिक गई छे, चली गई छे, कोई वादा नहीं, चलो जवाब दे बोले, पर जो तेरे पास है वो हीरे मोती से भी कीमती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता, यीशु नाजरी के नाम से उठ और खड़ा हो जा। केवल वो उठा ही नहीं, पर क्या कहता है, वो उछल के खड़ा हो गया। हालेलुया, जब अभिषेक बहता है तो ऐसे ही होते हैं। आप फिर कहने लगे, आंसू थई रे उछे, लोग वहां जो खड़े थे देखकर कहने लगे, अरे बाप रे, आ ये क्या हो रहा, बोलो ना, ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है? अरे जब अभिषेक बहेगा, जब अभिषेक काम करेगा, जब आत्मा काम करेगा, तो लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे ये क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस अभिषेक में अपने आप को बनाए रखो, खुदा की आत्मा से अपने आप को भरते जाओ। हालेलुया। मालूम खुदा को बोल क्या कहता, प्रेतों के काम जल्दी से निकालेंगे। मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, जल्दी से फास्ट जाएंगे, दो वचन पढ़ के बंद करूंगा, टाइम काफी हो गया है। और उसका दूसरा अध्याय 33 वचन को निकालो, 33 वचन को निकालो, प्रेतों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 33 वचन को निकालो। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर के दहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, देखो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर उसके दहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से, और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, पिता की ओर से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कर दिया है? उंडेल दिया। किससे लेके उंडेल दिया? पिता की ओर से, यीशु मसीह ने। क्योंकि पिता ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तुम मेरे पास आ जाएगा तो मैं आत्मा तुझे उंडेलूंगा, आत्मा लोगों के लिए उंडेलूंगा। क्योंकि योएल भविष्यवक्ता ने दूसरे अध्याय और उसका 28 वचन में लिखा हुआ है, कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। ये किसने बोला? परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में योएल भविष्यवक्ता ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर क्या करूंगा? जोर से बोलो, क्या करूंगा? देलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्योर, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और जी उठने के बाद कहता है बैतनिया के गांव के उस पहाड़ के ऊपर से अपने लोगों को विदा करके वो खुद स्वर्गरोहण स्वर्ग में चला गया और पिता के दाहिने हाथ पिठा के खड़ा होकर के पिता की ओर से सर्वोच्च पद पाकर और पवित्र आत्मा की जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी उसको लेकर क्या किया? उंडेल दिया। हालेलुया। किस पे उंडेला गया है? मुझ पर। हालेलुया। मालूम उंडेला किसको बोलते हैं? उंडेला किसको बोलते हैं? उंडेला एक बाल्टी पानी को लेकर के ऐसा छिड़कना नहीं है, गिलास से देना नहीं है, फिर क्या कैसा है? खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, अभी उंडेलने पर, अभी उंडेलने पर रिसीव करने का, उंडेलने पर खड़े जा। हालेलुया। वो कहता है पिता की ओर से पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा पिता ने किया था यीशु मसीह ने उस प्रतिज्ञा को, उस पवित्र आत्मा को लेकर के क्या किया? किस पर उंडेल दिया? दोनों हाथ उठा के कहो खुदा तू जो उंडेला है मैं रिसीव करता हूँ। हालेलुया। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया है। हाथ रख के बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया है। बोलो 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 पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया है। मैं आत्मा से भर जाऊँ। लोग मुझे आत्मा से भर दो, 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 मुझे आत्मा से भर दो। पिता की ओर से जो प्रतिज्ञा किया था यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा को लेकर पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेला है। पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेला है। आई रिसीव लॉर्ड, आई रिसीव लॉर्ड, आई रिसीव लॉर्ड उस प्रतिज्ञा को। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा को मैं रिसीव करता हूँ। मुझे दिया गया नहीं है, मुझ पर उंडेला गया 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 है। हालेलुया, हालेलुया। जब उंडेला जाता है तो सर के बाल से पैर के नाखून तक वो बहने लगता है। आबा राबा सद लगा दना मंदा योदो लाबा। वो जब उंडेला जाता है सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक वो बहने लगता है। मेरा अभिषेक, बोलो मेरा अभिषेक, जो उसकी ओर से किया गया है मुझ पर उंडेला गया है और वो अभिषेक मुझ में से बह रहा है। प्रभु की महिमा करे। स्थान में बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक वो पढ़ेंगे। यूहन्ना के पुस्तक 20 अध्याय, यूहन्ना के पुस्तक उसका 20 अध्याय को निकालो जल्दी से। यूहन्ना के पुस्तक 20 अध्याय और इसका 22 और 23 वचन को पढ़ो। यूहन्ना के पुस्तक उसका 20 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ो जल्दी से।
यह कहकर उसने उन पर फूंका। और भर पलट कर खुदा की डिजायर था, केवल उसने हवा में बात करके हमसे नहीं गया है, परंतु वह रेल में चाहता हमारे द्वारा सामर्थ बहने पाए। हालेलुया हालेलुया। वो क्या कहता है, वो पहली तो कहा जो काम मैं करता हूँ मुझसे बड़े बड़े काम तुम करो। क्यों करोगे? क्योंकि उसकी ओर से तुम्हारा अभिषेक हुआ है। क्यों करोगे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर कहता है वह यह पड़ी यह कहकर उसने उन पर फूंका। किसने फूंका? यीशु मसीह ने फूंका। हालेलुया। मान बाइबल में पहले कहां फूंका? बाइबल सबसे पहले कहां फूंका? आदम की वाटिका में। जब आदम बेजान था, आदम के अंदर कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने अपनी सांस को लेकर आदम में क्या कर दिया? फूंक दिया। और जब आदम बेजान था, कुछ जान नहीं था, उसमें फूंका, उसमें जान आ गई। और जब जान आ गई तो आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। प्रभु की आत्मा उसमें समवा गया। वो प्रभु की महिमा उसको ढाप लिया, प्रभु की ग्लोरी उसको अंदर ढाप लिया, प्रभु की पवित्रता उसमें आ गया, और आज पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ इंसान बन के खड़ा हो गया। हालेलुया। एक बार फिर से वो फूकने की बारी है। वो कहता यीशु मसीह दुनिया में आया, और कहता जाने से पहले एक बार फिर से कहता खुदा का वर्ड कहता है उसने उनके ऊपर फूका। हालेलुया हालेलुया। और क्या कहा? फूका। क्या कहा? उनसे कहा और फूक करके उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आमेन हालेलुया। उनसे क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। एक दूसरे को देखो, पवित्र आत्मा ले लो। वो फूका गया है, जो जोर से बोलो फूका गया है, वो उंडेला गया है। अरे बोलो वो उंडेला गया है। आपके लिए आपके लिए आपके लिए बोलो बोलो आपके लिए। ले लो 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 बोलो ले लो ले लो। आपके लिए है, फूका गया है, उंडेला गया है, कहा गया है, बोला गया है, आपके लिए है, ले लो आपके लिए है, ले लो आपके लिए ले लो। फेथ रिसीव कर लो मेरे प्रभु, फेथ रिसीव कर लो। वो फूका गया है, उंडेला गया है, दिया गया है, प्रभु का अभिषेक किया गया है, प्रभु का आत्मा आप पर है, प्रभु का आत्मा आप पर है। आगे क्या कहता? 23-24 वचन जल्दी से पढ़िए। हाँ, अब और कहता है कि प्रभु का आत्मा तुम ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। हाँ हाँ हाँ, आगे आगे। हाँ, पवित्र आत्मा तुम ले लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। अरे बाप रे, जिनके पाप अब तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो हम प्रभु की प्रार्थना सिखाई हुई प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब मेरे क्षमा करने से क्षमा हो जाती है, बाइबल में लिखा हुआ है। उसकी ओर से तुम्हारा अभिषेक किया गया है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, आत्मा उंडेला गया है, आत्मा दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। आगे पढ़िए आगे पढ़िए आगे पढ़िए आगे पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जिसके पाप तुम क्षमा किए गए हैं, उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनको तुम रखो रखे गए, जिनको तुम क्षमा करो क्षमा किए गए, जिनको तुम आशीष दो आशीष लग जाएगी, जिसके लिए तुम प्रार्थना करो प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया हालेलुया हाले। आप यूनिक हो, यू आर प्रेशियस, आप बहुमूल्य हो, आप अनमोल हो, आप बेशकीमती हो, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान हो, आप राजदूत हो, आप परमेश्वर की रचना हो, आप परमेश्वर की खेती हो। हालेलुया हालेलुया। आप चुना हुआ राजवंश हो, आप याजकों के समाज हो। आमेन आमेन। प्रभु ने आपका अभिषेक किया है,
और यह अभिषेक किसी इंसान की ओर से नहीं किया गया है, बोलो मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया गया है, और बोलो उसका अभिषेक मुझ में बना रहता है। बोलो उसका अभिषेक यूहन्ना, पहला यूहन्ना जल्दी से दूसरे 27 को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी लास्ट वचन को पढ़ के बंद करूंगा, 27 से 29 वचन, 28 और 29 दो वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 27, 28, 29। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता, तुम में बना रहता है। हालेलुया, मैंने कहा तुम में बना रहता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक, जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका अभिषेक जो आपकी ओर से किया गया, इसका आपको प्रयोजन नहीं, मालूम नहीं, पर आप जान लो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आपके ऊपर है, वो क्या क्या आपके लिए कर सकता है। इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जिसका उसका अभिषेक जो आपका उसकी ओर से हुआ है, वो अभिषेक आपको सबको सिखाएगा। आमेन, हालेलुया। कैसे बात करना सिखाएगा, कैसे प्रार्थना करना सिखाएगा, वो शरीर की बातें क्या सिखाएगा, पृथ्वी की बातें क्या सिखाएगा, वो ज्ञान क्या सिखाएगा, बुद्धि क्या है सिखाएगा। हालेलुया, राजा सुलेमान को राज्य करना नहीं मालूम था, पर तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया, ज्ञान का आत्मा से भर गया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उसके ऊपर था, उसने वो कहता उसको सिखाने लगा राज्य कैसे करना है, न्याय कैसे करना है। हालेलुया, और उसका राज्य दूर दूर तक फैल गया, उसके न्याय की चर्चा दूर दूर देश तक होने लगा। हालेलुया, परमेश्वर ने मूर्खों और अज्ञानियों को चुन लिया, इस दुनिया के मूर्खों को उसने चुना, वो अज्ञानियों को उसने चुना कि ज्ञानियों ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। पहला कुरिन्थी पहला जब 27 वचन से आप पढ़े तो लिखा हुआ है, पत्रस यूहन्ना फिलिपी कुछ नहीं मालूम था इनको, इसलिए तो सदुकी और फरूसी कहते थे, क्या कहते थे, ये अनपढ़ लोग, ये गवार लोग, ये इनकी इतनी बुद्धि आई कहां से, इनमें इतनी बुद्धि आई कहां से। हालेलुया, उसका अभिषेक जो उसकी ओर से आपके लिए किया गया है, वह अभिषेक सब कुछ सिखाएगा, वह अभिषेक सब कुछ सिखाएगा। बोलो मेरा अभिषेक किया गया, परमेश्वर की ओर से मेरा अभिषेक किया गया है। खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को नेक्स्ट संडे जो मैं आपको दूंगा, इससे भी कहीं डीपली होगा। हालेलुया, मैंने आज ऊपर ऊपर दिया, पर नेक्स्ट वीक ऐसा यूनिक टाइम होगा। हालेलुया, अद्भुत चीजों को आप सीखने जा रहे। राबा शत अधिका ताना मंदा यदो लबा राबा। हालेलुया, चली चली आई अपने आंखों को हम बंद करें। हालेलुया, ओ मेरे पियो, हालेलुया। कोई भी इधर उधर ना देखे, कोई भी ना देखे, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। अपने आप को ठंडेपन को आने मत दो मेरे प्रियो, लेजीपन में मत रखो अपने आप को, उत्साही हो जाओ, उत्साही हो जाओ। ओ हालेलुया, आज का ये पल वैल्यूएबल है, आज का ये पल बेशकीमती है, जो खुदा की प्रेजेंस में आप खड़े हो, उसका अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है, पवित्र आत्मा का भाव हमारे मध्य में है। ओ लड़ाई तो जाओ, लड़ाई तो जाओ, लड़ाई तो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, लेने के लिए, लेने के लिए, लेने के लिए। खुदा का वर्ड कहता है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मेरा आत्मा तुझ पर है, मेरा आत्मा तुझ पर है। वो पिता ने यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने किया उसे बड़े काम अब तुम करोगे। गेट रेडी, गेट रेडी। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वो जो तेरे मगज में ना समाए, अब वो बात तेरे लिए मैं रखा है, तेरे द्वारा होंगे, तेरे द्वारा होंगे, तेरे द्वारा होंगे। और यीशु मसीह स्वर्गारोहण में वो जाने से पहले अपने लोगों को पास बुला करके उनके ऊपर फूका और कहा, लो पवित्र आत्मा से भर जा, लो पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। और इस आत्मा को लेकर के पत्रस यूहन्ना फिलिप्पी वो 12 चेले दुनिया को हचमचा दिए, दुनिया को हचमचा दिए, दुनिया को हचमचा दिए। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, लोग देख के कहने लगे ये क्या हो रहा है, लोग देख
लोग देख के कहने लगे ये क्या हो रहा है, आश्चर्य कर्म आपका है, आश्चर्य कर्म आपका है, निरायकर आपका है, चमत्कार आपका है, अद्भुतकाम आपका है, अद्भुत सगाई आपका है, अद्भुत सामर्थ आपका है, सबका अथॉरिटी आपका है, सबका अधिकार आपका है, सबकी सामर्थ आपका है,